देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जहां 70 हिंदू जोड़े की शादी पंडितों ने पूर्ण रीति रिवाजों से कराई तो वहीं मुस्लिम 31 जोड़े का निकाह मौलवी ने करवाया। इस हितकारी योजना को लेकर जहां जिला प्रशासन ने जनपद की समाज सेवी संस्थाओं से अपील की कि वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, तो वहीं समाज सेवी संस्थाओं ने विवाहित जोड़े के लिए कपड़े, बर्तन, गैस के चूल्हे वगैरह आदि भेंट किए हैं। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष साकेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का गांव-गांव से प्रचार प्रसार होना चाहिए। इस योजना के तहत लड़की को RTGS के द्वारा 20,000 रुपए, दहेज के सामान के लिए 10,000 रुपए, वर और दुल्हन के कपड़ों और आभूषणों के लिए खाने पीने के लिए 5,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। सामूहिक विवाह हुआ है, आपको कैसा लग रहा? क्या नाम है आपका? राजू। राजू, करीबन कितने जोड़ों ने यहाँ पे शादी करी है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कराया गया है इंदिरा बाल भवन में। कितने जोड़ों की शादी कराई गई है? 101 जोड़ों की शादी कराई है जिला पंचायत के माध्यम से हमारी। इसमें क्या क्या सामान दिया गया विभाग की तरफ से? सामान तो लगभग सभी है, जैसे कि गैस के चूल्हे हैं, पायल है, डिनर सेट है, ट्रंक है, मतलब जो घरेलू जरूरतों का सारा सामान ने दिया है, बहुत उच्च क्वालिटी का, बढ़िया। यह बहुत ही पुण्य का कार्य है, इसमें सभी वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज में दबे कुचले वर्ग को इस योजना के तहत जिनकी शादी नहीं हो पाती है उनकी इस योजना के तहत शादियां कराई जाती हैं। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़ अपराध के खिलाफ जंग।